विधायक की दादागिरी। जींद जिले में एक बुलेट का चालान काटा गया। चालान इसलिए काटा गया क्योंकि बुलेट में मोदी पाइप लाइसेंसर लगा हुआ था, जिससे बजाया जा रहा था बुलेट पटाखा। लेकिन बुलेट चलाने वाला शख्स विधायक कृष्ण मिर्डा का करीबी निकला, जिसके बाद बुलेट छुड़ाने के लिए घंटों ड्रामा चला। बात यहां तक पहुंच गई कि विधायक जी ने सिविल लाइन थाने में तैनात SHO को तबादले की धमकी दे डाली। देखिए रिपोर्ट। तो SHO साहब के ऊपर विधायक जी उल्टा बोले। आज विधायक जी आए थे मौके को, उन्होंने एक बात कही थी, मोटरसाइकिलों को आप ऐसे पकड़ोगे जो हमारे वर्कर हैं, क्यों तंग कर रहे हो पब्लिक को। तो SHO साहब के ऊपर विधायक जी उल्टा बोले। भी बोल्ट चला रहे हैं क्या, सभी पटाखे हैं? कुछ बंद चले जो भी लड़के हैं, ये अमीर बच्चों के लड़के हैं या खुद अमीर है? एक मोटरसाइकिल पकड़ने के ऊपर 10-10, 15-15 तक फोन आते हैं, उसमें राजनीतिक भी आएगी और अंडे भी आ गए। आप मेवात से और भी साइड में आपका तबादला नहीं होगा, ये देख लेना। उम्मीद है इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको मामला समझ आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा तो हम समझा देते हैं। ये बुलेट बाइक है और इससे बजाया जाता है मॉडिफाइड साइलेंसर से बुलेट पटाखा। और आज बुलेट से पटाखा बजाने की खबर सुर्खियों में इसलिए छाई है क्योंकि इस बुलेट का रात के अंधेरे में चालान काटा गया, जिसके बाद थोड़ा हो हंगामा होता है, तभी बुलेट चला रहे महाशय इलाके के विधायक जी को फोन कर देते हैं। पहले कोशिश की गई मामले को फोन पर सुलझाने की, लेकिन बात नहीं बनने पर जींद के BJP विधायक कृष्ण मिड्डा बुलेट पटाखा के पैरोकार बनकर थाने पहुंच गए और बुलेट को इंपाउंड कर चालान करने से खफा विधायक जी ने SHO को बुलेट का चालान वापस लेने और छोड़ने को कहा। लेकिन सिविल लाइन थाने में तैनात SHO ने जब बिना चालान भरे बुलेट की रिहाई से इनकार कर दिया, तो SHO को विधायक जी ने मेवात ट्रांसफर की धमकी दे डाली। उनके संबंध में कृष्ण मिड्डा जी यहाँ स्वयं थाने में आ गए थे, उन्होंने यही कहा था, अब भाई आप पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने इतना दर्शाया था कि मॉडिफाई साइलेंसर है और जो पटाखे बज रहे हैं और जो आपने भी सुन लिए हैं, खुद मीडिया के सामने वो पटाखे बजाए गए हैं, बिल्कुल आगे आग बजा रही थी। विधायक जी ने कहा है, विधायक जी आगे आने पर मैंने बिल्कुल उनके आदर संस्कार किया था, विधायक जी आइए, उन्होंने कहने बावजूद भी एक ही आवाज आई थी, आप तेज मत बोलो। विधायक के PSO यहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने एक बात कही थी, मोटरसाइकिलों को आप ऐसे पकड़ोगे जो हमारे वर्कर हैं, आप मेवात से और इस साइड में आपका तबादला नहीं होगा, ये देख लेना। अब आपको SHO की जुबानी बताते हैं बुलेट छुड़ाने की कहानी में क्या क्या हुआ। ऐसा है, ये माननीय पुलिस अधीक्षक के अनुसार ये करीब एक महीना पहले चालान काटने चालू करे थे बुलेटों के, जिनकी वो बार बार शिकायतों के ऊपर, अब भी कुछ बन चले जो भी लड़के हैं, अब भी साइलेंसरों को मॉडिफाई करके और उनसे पटाखे बजाए जा रहे हैं। कोई भी मोटरसाइकिल पकड़ी जाती है, वो मोटरसाइकिल असल में तो जितनी बुलेट मोटरसाइकिल हैं, ये अमीर बच्चों के लड़के हैं या खुद अमीर हैं। एक मोटरसाइकिल पकड़ने के ऊपर 10-10, 15-15 तक फोन आते हैं, उसमें राजनीतिक भी आएगी और अंडे भी आ गए। आज विधायक जी आए थे मौके के ऊपर, उसके अंदर पटाखे बज रहे थे और जो आपने भी उसकी वीडियो बनाई दी है, उन्होंने यही कहा था कि क्यों तंग कर रहे हो पब्लिक को, जो भी बुलेट चला रहे हैं क्या सभी पटाखे हैं? मैंने यही कहा था, जो भी मॉडिफाई साइलेंसर है वो सभी पटाखे बजते हैं और उनके सामने भी पटाखे बजाए गए थे। तो जो भी विधायक जी जिस बुलेट को छुटाने की बात कर रहे थे उसमें भी पटाखे बज रहे थे? उसमें बिल्कुल, आपने भी देखे हैं, आपने उसकी तस्वीर बनाई है, उसके अंदर पटाखे आए हुए हैं। वही जब बुलेट छुड़ाने के लिए पहुंचे विधायक कृष्ण मिड्डा की खबर थाने से बाहर निकली, तो हर खबर ने जींद की सबसे बड़ी खबर को प्रमुखता से दिखाया और पूरे मसले पर विधायक जी से हर खबर ने फोन पर बातचीत की। विधायक जी ने क्या कुछ कहा हर खबर के साथ बातचीत में, आपको वो भी सुनवाते हैं। विधायक जी, आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपने जो है SHO को धमकी दी है ट्रांसफर करने की। बिल्कुल बिल्कुल गलत आरोप लगाया ये मुझ पर। मैं गया जो
कि एक एक बुलेट का बुलेट गाड़ी को पकड़ा जा रहा है जिनमें पटाखे, आप उनको पकड़िए कोई अपराध नहीं, उनके चलान काटिए कोई अपराध नहीं, लेकिन चलान आप 35-40-40 हजार रुपए का चलान काटेंगे ये तो गलत है ना। और सिविल ड्रेस के अंदर जाके पुलिस वाले किसी भी बाइक वाले को हाथ देके पकड़ते हैं और पीछे से इस प्रकार से पकड़ते गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, कोई नुकसान हो जाए जान माल का, उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? जी बिल्कुल विधायक जी, सरासर सरासर गलत है ना, जो चीज गलत है सो गलत है। विधायक कृष्ण मिड्डा की बातें सुनकर अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि विधायक जी किस बात से खफा थे। उनके मुताबिक वो बुलेट के भारी भरकम 40,000 रुपए के चालान काटे जाने से खफा थे और इस बात से भी खफा थे कि बुलेट को रोकने वाला सादी वर्दी में खड़ा पुलिस कर्मी था। विधायक जी सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात से थे कि SHO ने उनकी बात नहीं मानी, तभी तो विधायक जी पर ट्रांसफर कराने की धमकी देने का आरोप लगा। खैर विधायक जी को बुलेट छुड़ाने के लिए थाने पहुंचने से पहले ये भी जान लेना चाहिए था कि सत्ता में उन्हीं की सरकार है और उनकी ही सरकार के फैसलों की पुलिस अनुशंसा करती है। हर खबर से जींद के लिए परमजीत पवार की रिपोर्ट।